जामुन यहाँ पर काश्त हो रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 फिट का केले का दरख्त भी लगा है जिस पर केले लगना शुरू हो गए हैं। तो ये एग्जॉटिक फ्रूट्स जो है और जो इंटरनेशनल या जो लोग अमूमन इम्पोर्टेड आइटम्स खाने के शौकीन होते हैं उन्होंने यहाँ पर बकायदा इनकी पूरी एक नर्सरी बनाई हुई है। और ये किस तरीके से इनका ख्याल रखते हैं, कैसे इनकी ग्रोथ हो रही है और कितने बड़े पैमाने पर इसकी काश्त की जा रही है, इसी पर हम बात करेंगे मियाँ सईद अख्तर साहब सफ़ुमान। साहब अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा बताइएगा ये अनोखी नर्सरी, आपको इसका ख्याल कैसे आया, दूसरे किन ममालिक के फल यहाँ पर? जो पाकिस्तान में बहुत आसानी से पैदा हो सकते हैं और उन पर मैं गुज़श्ता 30 साल से काम कर रहा हूँ और उनमें से अक्सर पौधे फल दे रहे हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, जिसमें लॉगन फ्रूट है, एवोकाडो है, जैक फ्रूट है, बारबूज चेरी है, जिमिकन चेरी है, स्ट्रॉबेरी का वारा है, इस तरह के 100 से ज़्यादा यूनिक फल यहाँ पे वो पैदावार बहुत आसानी से दे रहे हैं। तो ये बताइएगा वो जो फल आपने लगाए हैं यहाँ पर ज़ाहिर मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं, तो क्या ऐसा किसी और मुल्क में भी है कि उन्होंने भी इस तरीके से फल लगाए हुए, या तमाम तर जो आपने फल और दरख्त इस तरह के इकट्ठे किए हैं वो अपने आप में एक अनोखी नर्सरी? काफ़ी सारे मुल्कों में और ये पौधे और ये फलदार पौधे दस्तियाब हैं, क्योंकि ये फल उन्हीं कंट्री के हैं वहाँ तो ये बहुत आसानी से ये पैदावार दे रहे हैं। मसला ये है कि हमारा मुल्क इसमें ये कभी ये फलदार पौधे आए नहीं थे, मैंने इन पर तजर्बा किया और अल्लाह ताला ने इस पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अच्छा ज़रा ये बताइएगा आप तरीक़ाकार इसका क्या है, क्या इनके बीज मंगवाते हैं या छोटा पौधा मंगवाते हैं, इसमें आपको क्या मुश्किलात भी होती हैं? इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, बीज है, कलम है, एयर लेयरिंग के पौधे आते हैं, समटाइम फलदार पौधे भी आ जाते हैं और आगे बढ़ाना फिर ये एक आर्ट है जो मैंने सीखा है ऑस्ट्रेलिया जा। इनकी देखभाल किस तरह की जाती है, एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको इनकी केयर करना, क्या करते हैं? जिस तरह ये हमारे आम ये लोकल पौधे हम तैयार करते हैं बिल्कुल सेम तरीका उन फलदार पौधों का है, इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत आसानी से ये पौधे यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। हमारी धरती बहुत ही अच्छी है, मुझे किसी फल को तैयार करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि केले का भी एक दरख्त है बड़ा छोटा सा, तो ये किस मुल्क का है, उसमें ऐसी क्या खास बात है? ये हमारा जो देसी सी लेमन है, चाइनी लेमन है, ये 2-3 लेमन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का फिंगर लेमन, इसमें हाफ दाने होंगे, अनार की तरह दाने होंगे, क्रंची दाने होंगे, दुनिया का सबसे महंगा फल यही लेमन है, फिंगर लेमन है और बहुत ही ये पॉपुलर है दुनिया में। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये यहाँ पे तैयार हुआ है, पिछले साल मैं लाहौर में हार्टिकल्चर का जो हेड ऑफिस है डॉक्टर आबद महमूद साहब उनके पास ये फल लेके गया था, वहाँ पे ये लेमन के फ्रूट मैंने काटे और उनको खिलाए और उनका बहुत ही क्लास का टेस्ट थी। थैंक यू सो मच सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर कोई यहाँ का विज़िट करे तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है कि यहाँ पे दुनिया भर से फल मौजूद हैं और फल भी बड़े ज़बरदस्त था और जिनकी अहमियत और फ़वाद बेशुमार हैं, ख़ासतौर पर ऐसे फल जो बेमौसमी हैं, यानी कि ज़ाहिर उनको लोग ढूंढते रहते हैं अक्सर और बेशतर, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते, स्टोर तो किए जाते हैं, प्रिजर्व भी किए जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती। फ्रोजन अक्सर आपको इस तरह के फ्रूट्स मिल जाते हैं जो मौसम में के नहीं होते, लेकिन अक्सर आपको स्टोर से ऐसे फल फ्रूट मिल जाते हैं। तो ये ऐसे ज़बरदस्त और अनोखे काम करते हैं। बागबानी जो है अपने आप में बड़ा लोगों की हॉबी होती है, पसंदीदा हॉबी होती है, इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि लोग नेचर से करीबी होना चाहते हैं तो वो ये तरीक़ाकार भी अपना लेते हैं। अक्सर लोगों को इन पौधों से बड़ी उनसियत हो जाती है और उनका ख्याल रखना, बच्चों की तरह इनका देखभाल करना, ये उस हॉबी का हिस्सा होता है। जैसे जैसे वो कहते हैं ना वो बड़े होते जाते हैं पौधे, तो आपको लगता है जी आपने आपके यू नो यू हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, आपको ऐसा लगता है जी हमने इन पर मेहनत की,
खाद लगाई, उसमें बीज बोया, पानी दिया और उनको ख्याल रखा कि मौसम की सख्ती ज़्यादा ना हो, धूप में भी रखा, थोड़ी धूप लगाई, कम धूप, ज़्यादा धूप में नहीं रखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे ये पौधे जो हैं फलते फूलते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं और आँखों को बड़ा, कहते हैं ना सब्ज़ा बड़ा आँखों को ठंडक का एक इफेक्ट देता है। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के